ज्ञानवापी मसले पर वाराणसी अदालत ने एक अहम आदेश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। सिविल जज ने निर्देश दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज सुनवाई हो। बुधवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में ये फैसला लिया गया। हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई हुई, ट्रांसफर किया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो जज साहब हैं आज वो कहीं एंगेज है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिस कारण से मंडे की डेट रखी गई है। मंडे को हम तत्काल पूजा की एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, डिमांड करेंगे कि व्हाट एवर बी द एडजुडिकेशन, हाउ मच टाइम इट विल कंज्यूम वी विल नो, वी डोंट नो एट दिस स्टेज, तो तत्काल प्रभाव से पूजा शुरू कराई जाए, इसको लेकर के मंडे को आर्ग्यू करेंगे। वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मामला दूसरा है। उस पर 26 मई यानी कल सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई थी। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ राग भोग दर्शन की मांग की गई है। याचिका में उठाई गई मांगे हैं, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए, ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले, मस्जिद के गुंबद को गिराया जाए। सराहनीय कदम है, स्वागत करने योग्य है, न्यायालय भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस विवाद का अंत हो। देखिए आज ये केस ट्रांसफर कर दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय आज कहीं और व्यस्त हैं, माने न्यायालय में उपस्थित नहीं है, और 30 मई की डेट सुनिश्चित हुई है इस मामले की सुनवाई के लिए। आज कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई 30 तारीख को होगी। हमारी मांग, पहली मांग ये थी कि ज्ञान परिसर में हिंदू मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, दूसरी मांग ये है कि हिंदुओं को ज्ञान परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, तीसरी जो बाबा विश्वेश्वर वहाँ पे प्रकट हुए हैं उसकी नित प्रतिदिन पूजा पाठ का मतलब अनुमति मिले, यही मांग। इससे पहले ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की बातें सुनी। अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अब कल तय होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले को सुना जाना चाहिए या नहीं। मंगलवार को वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कहा था कि नागरिक प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। सुनवाई की अगली तारीख 26 मई को तय की गई। मुस्लिम पक्ष से जज ने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी है। इससे पहले वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि मुसलमान किसी भूखंड पर मस्जिद का दावा करते हुए कोई अधिकार नहीं जता सकते, जब तक कि इसका निर्माण कानूनी रूप से स्वामित्व और नियंत्रण वाली पवित्र जमीन पर नहीं किया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट।